मिनिमम यहाँ पे जो अवेलेबल है वो 1,90,000 से स्टार्टिंग है। ए टू जेड आपके हॉस्पिटल्स हैं, कार शोरूम है, बाइक शोरूम है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पैरामेडिकल हैं, एफआई फार्मेसी हैं, ये सारे कॉलेजेस आपके अवेलेबल। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही कम बजट में एक घर लेके आए हैं जो कि क्या कह सकते हैं गेटेड सोसाइटी में आपके लिए पूरा बना हुआ है। यहाँ पे 402 स्क्वायर फीट, 804 स्क्वायर फीट आपकी जिस जिस दायरे की डिमांड रहती है वो उन दायरों में आपके लिए मकान अवेलेबल है। ये पूरी गेटेड सोसाइटी है, काफ़ी मकान होगी। क्या लोकेशन है, क्या बेसिक एमिनिटीज़ है, उन सब की जानकारियों के लिए यहाँ के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कमल जी के पास चलते हैं और उनसे पूरी जानकारियाँ लेते हैं। तो कमल भाई एक बार फिर से स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी फैमिली पे। हेलो व्यूअर्स, आज फिर हम आपके लिए आए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसमें आपको रॉ हाउस एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे जो हर किसी के बजट में है और बेस्ट क्वालिटी में है, इसमें भी आपके ऑफर्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें, पूरा देखिए। और सबसे पहले कमल जी अपना अपना परिचय चाहेंगे कि दें, कौन सा ग्रुप है, उनका क्या प्रोजेक्ट है, लोकेलिटी क्या है। बिल्कुल, देखिए मैं IBIS ग्रुप से कमल कुमार, कंपनी का टीम लीडर हूँ। जो आज हम जिस प्रोजेक्ट पे आए हैं, यहाँ पे हम लोग ने 410 मकान ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें से 350 घरों में हम पजेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। मतलब 350 परिवार रह रहे हैं। बिल्कुल, चलिए। और यहाँ पे 200 घर हमने और एक्सटेंड किए हैं क्योंकि यहाँ की डिमांड काफी हाई है, जिसकी वजह से हमने 200 घर और एक्सटेंड किए हैं। जो भी क्लाइंट्स नहीं ले पाए किसी भी वजह से, उन्हीं के लिए सिर्फ ये 200 मकान एक्सटेंड किए गए। मतलब लोगों की डिमांड ज्यादा थी, हम लोग कवर नहीं कर पाए क्योंकि हम इतनी अच्छी डील दे रहे हैं ना। बिल्कुल, लोगों की डिमांड बढ़ती जाती है उस हिसाब से इसका प्राइसिंग शॉकिंग रहेगा, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। फिलहाल कमल जी आपसे पूछना चाहेंगे अप्रूवल इस पे किससे किसका रहेगा और कितनी फीट चौड़ी रोडें रहेंगी, क्या रहेगा फैसिलिटीज। 20 फीट चौड़ी रोड है इंटरनल, 25 फीट चौड़ी रोड है आपकी एक्सटर्नल, जो हमारी मेन रोड है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे LIC से अप्रूवल है, LIC यहाँ पे लोन कर रही है और भी बैंक से HDFC एक्सिस से ये सारी लोन कर रही है यहाँ पे कर रही है। और ये जो जिस घर में हम खड़े हैं इसका क्या साइज होगा? ये 26.8 का फ्रंट है जो कि बहुत बड़ा फ्रंट है और 30 की डेप्थ है, जो एक स्क्वायर साइज आता है उसमें एक डिजाइन बहुत बेहतरीन निकलता है। जैसा कि इस मकान का डिजाइन है, इसमें 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, लैट्रिन बाथरूम, किचन, एक हॉल, कार पार्किंग स्पेस, ये सारा सिर्फ 804 स्क्वायर फीट में निकला हुआ है जी। और फ्रंट डेप्थ आपने इसका क्या बताया? 26.8 आपका फ्रंट है, 30 आपकी डेप्थ है। सबसे पहले आपका ये पॉर्च एरिया है, इसके साइज की बात करें तो क्या साइज होगा इसका? ये आपका 12x16 का आपका पॉर्च एरिया, मतलब बड़ा स्पेशियस आपका ये है। अब आप आइए थोड़ा आगे, आपको अंदर का दिखाते हैं, उसके बाद आपका ये कह सकते हैं एक हॉल टाइप का एरिया या फिर हो गया ना जी। ये आपका हॉल है, उसके बाद आप इधर आते हैं तो आपको एक क्लोज किचन मिलता है। आप उससे थोड़ा आगे आएंगे, यहाँ पे आपको एक किचन दिया हुआ है। कमल जी आप अंदर आए चाहेंगे? बिल्कुल। तो ये आपका एक किचन है, हम पूछना चाहेंगे कि इसको आप मॉड्यूलर बना के देते हैं या एज इट इज? नहीं, क्योंकि ये बजट हाउसेस हैं, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स को 50 ईयर्स की वारंटी देते हैं। आप 50 ईयर तक अगर मकान में कोई भी रीजनेबल फॉल्ट होती है, कुछ भी होता है, तो उसकी 50 ईयर्स तक वारंटी देते हैं, जो कोई भी नहीं देता है मार्केट में। और एक और चीज हम देते हैं आपको, इसमें आपकी सेपरेट वॉल्स हैं और स्लैब भी सेपरेट है, तो इन फ्यूचर आपको दोबारा मकान बनाना है या कुछ भी करना है तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज है जो कोई भी बिल्डर शायद नहीं देता है करंट देता है। चलिए, तो ये आपके लिए पहला प्लस पॉइंट है, 50 साल की आपको गारंटी दे रहे हैं ना। घर की किसी भी चीज़ में कोई भी कमी आए कमल जी को कॉल करिए, आपके लिए अवेलेबल है। उस किचन का आपने क्या साइज बताया था कुछ? ये आपका 6x9.5 का किचन है। 6x9.5 का किचन, कोई डिमांड करता है तो हम इसको मॉडलर बनवा देंगे। बिल्कुल, वो अलग से कॉस्ट आएगा, इसका कॉस्ट आपको लास्ट में बताएंगे, घर का उसी अकॉर्डिंग है। इस वजह से ही आपको मॉडलर नहीं बना के दिया गया है। ये आपके दो कह सकते हैं लैट्रिन बाथरूम, अगर आप सेपरेट चाहते हैं सेपरेट बना के देंगे, आपको अगर आप भी देते हैं कंबाइंड चाहते हैं तो कंबाइंड बना के दे देंगे। अगर हम इसको कंबाइंड चाहते हैं तो ये कंबाइंड हो जाएगा, बाकी ये अभी तो ये सेपरेट है एक इंडियन स्टाइल में। हाँ, इंडियन और वेस्टर्न, ये कमांड क्लाइंट की डिमांड पे वेरी करता है। अगर क्लाइंट कहता है कि हमें इंडियन चाहिए तो इंडियन, अदरवाइज वेस्टर्न की डिमांड होती तो चेंज करवा देंगे, वेस्टर्न होता। चलिए, उन दोनों के साइजेस की बात कर ले तो इन दोनों के क्या साइजेस हो जाएंगे? वो आप 4x4 के हैं, 4x4 के दोनों जी। चलिए, उससे आप आगे बढ़ेंगे, ये आपका एक रूम हो गया, काफी स्पेशियस ये रूम है आपका। कमल जी इसके साइज की बात करें तो क्या साइज? ये आपका 12.5x13 का रूम है, 12.5x13 जी। चलिए, और इसमें टाइल्स और स्विचेस की वायरिंग की इन सब की बात करें? हाँ, तो RR केबल्स हैं, एंकर के वायर्स हैं, आपकी टाइल्स हैं जो कि आपकी नॉन स्टिक टाइल्स हैं, पार्किंग में भी आपकी नॉन स्टिक टाइल्स। अब उससे आप थोड़ा आगे आएंगे, ये आपका एक ड्रॉइंग एरिया कह सकते हैं, ड्रॉइंग एरिया जिस तरीके से भी आप डेकोरेट करना चाहें, एक रूम आपका ये हो गया।
और इसके साइज की बात करें ये 12x12 का है। 12x12 12x12 का विंडो दिया है। 6 विंडो के साइज की बात कर ले तो क्या साइज होगा इसका? ये आपका 2x4 की विंडो है। 2x4 की प्रॉपर वेंटिलेशन आपका बना रहेगा। दिन है ये, इस समय देख सकते हैं आप, एक भी लाइट नहीं जल रही फिर इतनी रोशनी है, तो काफी रोशनी का काफी ख्याल रखा गया। वेंटिलेशन पूरा प्रॉपर इसका ख्याल रखा गया। किसी भी क्लाइंट के लिए वेंटिलेशन सबसे प्रॉपर होना चाहिए, होना चाहिए, किसी भी एंगल से सफोकेशन नहीं हो ना जी। चलिए एक रूम आपका ये हो गया। कमल जी इसके साइज की बात करें, ये भी सेम साइज है आपका, 13.5x14 13x14 तो दो रूम 13x14 के, एक आपका ड्रॉइंग रूम बिल है वो आपका 10x12 का 10x12 का। तो ये हो गए आपके दो रूम ये और वो। अब चलते हैं आपको छत का एरिया थोड़ा दिखा देते हैं, वहाँ से आपको लोकेलिटी भी देखने को मिलेगी कि आस पड़ोस के क्या माहौल है, कैसा बना हुआ है, और अपनी फैमिली को थोड़ा छत का भी दिखा देते हैं। बिल्कुल छत के, छत को देख के लोगों को एक अंदाज़ा होता है कि बेस किस हिसाब से, उसके हिसाब से बिल्कुल सही बात है। तो आप ये देख सकते हैं आपका पिलर निकला हुआ है, और मजबूती की बात करें कमल जी इस पे, तो इसके ऊपर कितने मंजिल तक आप बनवा सकते हैं? 3 फ्लोर 4 फ्लोर आराम से बना सकते हैं, जैसे कि आप, क्वालिटी बहुत अच्छी है ठीक है, हमने क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं 35% लोगों ने अपना ऊपर बना रखा है। दूसरा मंजिल सबने लगभग लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, तो उसी अकॉर्डिंग हमने बेस दिया है ना। बिल्कुल, तो 350 फैमिली बता रहे थे, आप चारों तरफ देख रहे होंगे ये कैमरे के थ्रू, सब लोग रह रहे हैं, काफ़ी भरी पूरी आबादी है, पूरा डेवलप्ड एरिया है ना। और आपसे एक बार चीज़ और भी जानना चाहेंगे, यहाँ से बेसिक एमिनिटीज़ में क्या चीज़ कितनी दूरी आपको? बेसिक एमिनिटीज़ आपको 50 मीटर पर ही मार्केट मिलती है, 100 मीटर पर। आपको छोटी मोटी चीज़ों के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको वो चीज़ साइड पर मिलती है। अगर मैं घूमने की या वेकेशन की बात करूं तो ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट है आपका, मार्केट बगल में हॉस्पिटल है। बेसिक दिनचर्या की चीजें कितनी दूरी मिल जाएंगी? वो आपको साइट पे ही अवेलेबल है, साइट पे ही अवेलेबल है, सब्जी वाला ये सब, ये सारी चीजें आपकी साइट पे ही आती हैं। ये सारी चीजें साइट पे भी आती हैं, अगर साइट पे नहीं भी आएंगी तो भी यहाँ मात्र आधे से 1 किलोमीटर में सारी सुविधाएं हैं। हाँ, सारी A to Z आपके हॉस्पिटल्स हैं, कार शोरूम है, बाइक शोरूम है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पैरामेडिकल हैं, FI फार्मेसी हैं, ये सारे कॉलेजेस आपके अवेलेबल हैं, अवेलेबल है। चलिए तो कमल जी आपसे एक बार पूछना चाहेंगे कि क्या प्राइस फुट कर रहे हैं इस घर का, और मिनिमम हम लोग के पास क्या दायरे में मकान है, मैक्सिमम क्या है? मिनिमम यहाँ पे जो अवेलेबल है वो 10,90,000 से स्टार्टिंग है, और एक ऑफर है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, और जिस मकान में अभी हम लोग खड़े हुए हैं इसका प्राइस 21,80,000 है। 21,80,000। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग यहाँ पे वॉल्स स्लैब्स अलग देते हैं, तो थोड़ा सा मैं ये चीज आपको दिखाना चाहूंगा, आ जाइए। आप देख रहे हैं कि इस मकान की वॉल अलग है और इसके पीछे वाले की वॉल और कॉलम दोनों अलग है, तो आप ये देख सकते हैं ताकि आपका इसका भी कोई डाउट नहीं रहे। काफी लोग डाउट करते हैं कि एक ही दीवार पे दो दीवार खड़ी कर दी, इसीलिए मैंने ये चीज आपको दिखाई कि आप भी आराम से सेटिस्फाइड हो जाएं कि ये चीज हम अलग देते हैं बाकी बिल्डर से, ये चीज सबसे अलग। अच्छा, अपने पास अपनी फैमिली से कोई आता है, किसी की ये भी डिमांड रहती है कि हमारे पास, हमको प्लॉट खरीदते कंस्ट्रक्शन आपसे करवाना अपनी आंखों के सामने? डेफिनेटली वो भी हम कर सकते हैं। और एक और चीज है, आप अगर हमसे मकान की भी डील करते हैं तो भी हम आपके सामने मकान बना के आपको हैंड ओवर कर देंगे। उसका पोजेशन पीरियड 4 मंथ होगा। 4 मंथ होगा। चलिए ये सारी चीजें आपको दे रहे हैं। इस घर का प्राइस है 21,00,000 रुपए। 21,80,000। ये 804 स्क्वायर फीट में। इसका डायमेंशन मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, 26.8x30। 26.8 आपका फ्रंट है, 30 आपकी डेप्थ है। चलिए तो ये थी डील। एक बार आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि हमारी फैमिली को आता तो उसके लिए क्या सामान रखेंगे? बिल्कुल, प्राइस में कुछ कम ज्यादा? मैं इस वीडियो को देख के जो भी आता है उसको, क्योंकि आप भी जान रहे हैं ये एक बजट हाउस है जिसमें हमने ऑलमोस्ट जो भी हम बेसिक से लेके हायर एमटीज जो दे सकते हैं तो सारी चीज हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी भाई के रेफरेंस से आएंगे उनको हम लोग यहाँ पे एक विंडो एसी का ऑफर रखते हैं 1 महीने के लिए, जो भी आएगा उसको विंडो एसी हायर डील पे प्रोवाइड करेंगे। चलिए, गर्मी का मौसम है, एसी का भी मजा लीजिए, घर का भी मजा लीजिए। और कह सकते हैं कि घर को इंसान एक ही बार खरीदता है, बड़ी मेहनत की पूंजी लगती है, तो सही जगह लगाइए, अच्छा कर लीजिए, मजबूती जांचिए पर रखिए, एक बार अपनी तरफ से भी देखिए। ये घर काफ़ी अच्छा है, लोकेलिटी भी काफ़ी अच्छी है। कमल जी थे हमारे साथ, घर की डिटेल दे रहे थे। कमल जी एक बार जाते थे, एक बार फिर से आपसे इसकी प्रॉपर लोकेशन, कॉल टाइम, और कस्टमर कैसे विजिट करें, कैसे आपसे? आप 24/7 मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं कॉल पे आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और अगर आपको विजिट करनी हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, स्क्रीन पे पहला नंबर मेरा है जी, आप उस पर कॉल करके मुझे कभी भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। विजिट्स का टाइमिंग्स आप ऑफिस टाइमिंग में कभी भी विजिट कर सकते हैं, 10 से 6, अगर आपको अर्ली मॉर्निंग में विजिट है तो भी मैं अवेलेबल हूँ अर्ली मॉर्निंग के लिए।
क्योंकि हर क्लाइंट अपने टाइम के अकॉर्डिंग से आता है तो उनके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। आप कभी भी आ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और लोकेशन जाते थे एक बार फिर से आपसे पूछेंगे, ये आपका एग्जैक्ट बंथरा मार्केट के बैक साइड में है, हाईवे से मात्र 300 मीटर की डिस्टेंस पे है ये साइट, जहाँ पे इतने सारे लोग रह रहे हैं। यहाँ पे हमने प्लॉट भी रखे हुए हैं, अगर आप सिर्फ हमसे प्लॉट लेना चाहते हैं तो हमसे प्लॉट भी आप परचेज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जल्द से जल्द मुझे कॉल करें और वीडियो पूरा एंड तक देखें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कमल जी, जो आपके लिए पिछली बार आपके लिए लैंड एरिया लेके आए थे, इस बार आपके लिए रेडी टू मूव हाउस लेके आए थे। तो आप ये डील आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कमल जी, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अपनी फैमिली को दूसरे दायरे में मकान दिखाते हैं। बिल्कुल। तो ये थी आपकी डील, अब ये मकान आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, इसी तरह हम आपके लिए वीडियो कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरह रिलेटेड वीडियो हम अब तक लेके आते रहते हैं। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।